हाँ आइए मेयर साहब, मेयर कहाँ है, आइए आप भी आइए। शुरू हो गया। नमस्कार। नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है एज एन ऑफिशियल विजिट टू स्टेट टुडे। तो आपका कार्यक्रम क्या क्या है और सबसे बड़ा चीज आपका साथ हमारा अपना रिश्ता है क्योंकि आप हमारे ऑफिस में बड़े बात के रूप में, तो उस हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट महत्व है आपका स्टेट विजिट। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की जनता को हृदय से प्रणाम देता हूं और आज देश के आदर्शवादी नेता हमारे मार्गदर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने देश को पिछले 8 साल के अंदर विकास की रास्ते पर जोर से आगे ले जाने का काम किया है और देश की हर प्रांत मोदी जी की विशेष ध्यान और विशेष मेहनत और कदम के जरिए आज जाग उठा है और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के सिलसिले में सब जनता लगे हुए है निष्ठापूर्वक। इसलिए देश के अलग अलग प्रांतों का साथ हमारी नॉर्थ ईस्ट की अरुणाचल प्रदेश भी आज विशेष रूप से विकास के रास्ते पर चलने में आज सफलता प्राप्त की है। पिछले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को जिस हिसाब से खड़ा किया है, जिस हिसाब से मदद किया है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट की सारे प्रदेश, सिक्किम हो या त्रिपुरा हो, मिजोरम हो या मणिपुर हो, मेघालय हो या नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो या असम हो, 8 प्रदेश देश के अलग अलग प्रांतों का साथ आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारे इस इलाका में आप सबको मालूम है कांग्रेस की 7 साल की कार्यक्रम में, उनके कार्यकाल में उन लोगों ने इस प्रांत को ध्यान नहीं दिया था। इसके वजह से हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में काफी दिक्कत हुई और दिल्ली से हमारे नॉर्थ ईस्ट को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में ध्यान नहीं दिया था, मान्यता नहीं दी थी, इसके वजह से हमें पीछे रहना पड़ा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्वभार संभाला प्रधानमंत्री का, तब से उन्होंने 50 बार से अधिक समय नॉर्थ ईस्ट दौरा किया। सिर्फ उन्होंने नहीं, उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि हर केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट को हर 15 दिन के अंदर दौरा करना होगा और अपने विभाग की कार्यक्रम को सही समय पर लागू करने के लिए मेहनत करना होगा और साथ साथ में देश की जितना भी अलग अलग मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी है उनको भी नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना होगा, नॉर्थ ईस्ट में रहना होगा, नॉर्थ ईस्ट की जनताओं का साथ बातचीत करना होगा, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेना होगा और अपने मंत्रालय की तरफ से क्या क्या नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए, इस विषय पर कदम उठाना होगा। इसके वजह से आज हमें देश की में अलग सा पहचान मिली है और आज हमें हर विषय पर
आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिला है। इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री हूं, साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट की एक व्यक्ति होने के नाते मैं नॉर्थ ईस्ट की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जैसे हमें मान्यता दी, जैसे आदर और स्नेह की और जैसे मदद की, इसके वजह से आज हमारे कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन के सिलसिले में हम बहुत आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है। साथ साथ में अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग हमारे स्कीम की द्वारा हमारे गरीब जनताओं को जिस हिसाब से मदद किया गया है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट ने अपने शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है। और सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट की अलग से पहचान, शक्तिशाली पहचान बनने जा रहा है। आज आप देखिए मोदी जी के कार्यकाल में 8 साल के अंदर 2 लाख यानी 2,63,000 करोड़ से ज्यादा यहां उन्होंने मदद की है, और इतना भारी मात्रा में उन्होंने यहां अपने बजट की सपोर्ट के जरिए हमारे कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन व्यवस्था को मजबूत किया है। आप देखिए ट्रांस अरुणाचल हाईवे अभी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने लगे हैं, और उसी हिसाब से हर प्रदेश में सड़क बने हैं, पोल बने हैं, तो जिसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आगे विकास के रास्ते पर अपने शक्ति दिखाने में उनको विशेष सपोर्ट मिली है। तो इसलिए मैं पिछले 8 साल की जो भी सफलता की इतिहास, इसके बारे में आप लोगों को मालूम है कि मोदी जी के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के ऊपर कितने पुल बनी है, और नॉर्थ ईस्ट की हर राजधानी के साथ रेलवे कनेक्टिविटी संभव करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे पास ना सड़क थे ना पुल थे, रेलवे कनेक्टिविटी का बात तो हमें सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि कांग्रेस उसी हिसाब से हमको कभी भी मान्यता नहीं दी थी। इसकी वजह से हमें बहुत बहुत शक्ति संभावना संभावना होते हुए भी हमको पीछे रहना पड़ा, लेकिन मोदी जी ने हमें सबको साथ लिया, जैसे उन्होंने अपने मंत्र दिया है देशवासियों को, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश को देश के मूल बिंदु में उन्होंने शामिल किया, और इसके वजह से आज देश की जो भी राष्ट्रीय बजट, इस बजट से हमें जो भी सपोर्ट मिले, जो भी पैसा मिले, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में आधुनिक व्यवस्था खड़ा हुई है। और आप देखिए उड़ान स्कीम के द्वारा आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाहे पसीघाट हो या चाहे तेजू हो, और नई हमारे जहाज आज उड़ने का काम शुरू हुआ है, और साथ साथ में हमारे जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ईटानगर का पास बन रहा है वो भी इसी साल में कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि आप ट्रेन को देखिए, हवाई जहाज को देखिए, जल मार्ग को देखिए और सड़क को देखिए, हर व्यवस्था में आज कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन जिस हिसाब से मजबूत किया गया है, ये मोदी जी की निष्ठापूर्वक उठाए हुए कदम है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट टनल को भक्ति भावनाओं से सेवा की है, इसकी वजह से आज देश की हर प्रांतों में जनता के दिल में मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ने लगा है, और सबका मानना है अगर मोदी जी है तो सबको इंसाफ मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, सबको अपने जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए, सबको विकास के रास्ते पर चलने के लिए सबको मदद मिलेगा, और यही काम मोदी जी कर रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अधीन में देश के 80 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ नहीं, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में उन्होंने जैसे राशन दिया है, और इसकी हिसाब से आज गरीब के लिए जो सेवा उन्होंने की है, और जनधन योजनाओं की द्वारा जैसे बैंक का खाता खुला गया है, इसके वजह से आज हमारे जो भी
लाभार्थी है, इस लाभार्थी को सरकारी हर कार्यक्रम का 100% सपोर्ट मिलता है। स्वच्छ भारत अभियान हो या उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, हर स्कीम की द्वारा आज देश की हर व्यक्तियों को जैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिला है, उनको सामाजिक न्याय मिला है, इसके वजह से आज देश की जनता खुश है और आजादी की अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल की हमारी स्वतंत्रता की इस अवसर पर देश ने आज उन महान वीरों को नमन किया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण बलिदान दिए हैं, उनको भी मैं यहां से नमन करता हूं। साथ साथ में ये जो हमारे देश की स्वतंत्र भारत की जो भी सपने थे उसको साकार करने में मोदी जी ने जिस हिसाब से काम किया है, इसकी वजह से आज देश निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भर देश बनने जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। आज मैं इस बात को रखते हुए मुझे बहुत आनंद है कि अरुणाचल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें हमारे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जरिए अरुणाचल सरकार ने प्रमा खांडू के नेतृत्व में आज यहाँ रिक्रूटमेंट के सिलसिले में जो ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, इसके वजह से रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट बेसिस, ये जो उन्होंने सुशासन व्यवस्था यहाँ लागू किया है, इसके वजह से अरुणाचल की नई पीढ़ियों के मन में काफी उत्साह है, उमंग है, जुनून पैदा हुआ है। और साथ साथ में हमारे ये जो अरुणाचल सरकार में आज दुर्नीति के खिलाफ जो मजबूत कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज सुशासन व्यवस्था यहाँ संभव हुआ है, जनता को इंसाफ मिला है, जनता को सामाजिक न्याय मिला है और साथ साथ में अगले दिनों में इसे अरुणाचल प्रदेश को दुनिया का एक शक्तिशाली पर्यटन की दृष्टिकोण से केंद्रबिंदु बनाने के लिए भी प्रेमा खांडू सरकार ने अलग अलग जो कदम उठाए हैं, इसके वजह से ये साफ है कि अगले दिनों में देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश भी एक बहुत शक्तिशाली प्रदेश बनेगा, ये निश्चित है। हमारे आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को कैसे अपने दिल में जगह दी है, उनके कार्यकाल में पहली बार के लिए नॉर्थ ईस्ट की 5 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उन्होंने जगह दिया है। पहली बार के लिए कांग्रेस ने कभी भी ऐसे नॉर्थ ईस्ट की लोगों को मान्यता नहीं दी थी, कांग्रेस ने कभी भी इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाया था, उपलब्धि भी नहीं किया था, लेकिन मोदी जी दिल से नॉर्थ ईस्ट थाना को इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, इसके वजह से आज उन्हीं के कार्यकाल में 5 सांसदों को आज केंद्रीय मंत्री का ये मर्यादा दी है और अरुणाचल प्रदेश से हमारे बड़े काबिल, बड़े कर्मठ, मेहनती हमारे मंत्री किरेन रिजिजू जी है जो देश के बड़े काबिल कानून मंत्री है, तो मुझे लगता है कि ये अरुणाचल प्रदेश के लिए एक गर्व का बात है, हमारे नॉर्थ स्टार के लिए गर्व का बात है कि एक सांसद यहां से आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम कर रहा है और उनकी जो उनकी पास शक्ति है, काबिलियत है, वो दिखाने में अपने कर्मभूमि में सफलता प्राप्त की है। तो मुझे आज पत्रकार बंधु, आप लोगों ने पिछले दिनों में हमारी सरकार को जैसे आप लोगों ने मदद की है, इसके वजह से आज जनता तक हम लोगों ने हमारी स्कीम को सही लागू करने में सफलता प्राप्त की है और हम चाहते हैं कि अगले दिनों में आप ऐसे हमें सहयोग देते रहे। और ये निश्चित है, माननीय मोदी जी ने जैसे कहा था कि नॉर्थ ईस्ट देश की अष्टल अष्टमी है, हकीकत में है। और आज मैंने आयुष मंत्री होने के नाते मैंने जो अध्ययन किया है, जो देखा है, ये नॉर्थ ईस्ट देश की एक शक्तिशाली बायोडाइवर्सिटी का केंद्र बिंदु है और प्रकृतियों का संपदा, शक्ति और संभावना से ये भरे हुए ये नॉर्थ ईस्ट एक इलाका है।
तो इसलिए मोदी जी ने कहा था कि ये इलाका को अगले दिनों में नई भारत निर्माण प्रक्रिया में इंजन का भूमिका निभाना होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नॉर्थ स्टार की कंधों पर माननीय मोदी जी ने बहुत आस्थापूर्वक विश्वास से दी रखी है, तो उसको हमें साकार करने होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अरुणाचल हो, बाकी असम हो, अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करें और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हम भारतीय हर नागरिक मेहनत करे ताकि हिंदुस्तान दुनिया का एक आत्मनिर्भर देश बने। लेट अस मेक इंडिया द सेल्फ रिलायंट नेशन इन द वर्ल्ड, बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो मैं इसी शब्दों से पत्रकार बंधु आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने सुबह हमारी इस सभा में आने का कष्ट उठाया, धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, एक बात है, आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले साल हमारे कार्यकाल का पहला कैबिनेट में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, मार्गदर्शन से, उनकी इच्छा के मुताबिक पासीघाट में जो संस्था है उनको हम लोगों ने पहले फॉक रिसर्च के थे, अभी उनको आयुर्वेदा और फॉक रिसर्च केंद्र बने और इसके लिए 100 करोड़ का हम लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट देने का निर्णय किया है। उसके जरिए पासीघाट में, अभी पासीघाट में कॉलेज बनेगा, हॉस्टल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा आधुनिक। नमस्ते और क्या? नहीं, ये मेरे कार्यकाल का अभी वो काम होने जा रहा है। सो दिस इज द इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव बीइंग टेकन अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज व्हाट एवर पोटेंशियलिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटीज यू हैव इन द सेक्टर ऑफ आयुष इन द एंटायर अरुणाचल प्रदेश, सो दोस लाइक पोटेंशियल विल बी एक्सप्लोर्ड बाय अप्लाइंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी so that our traditional system of medicine can be, you know, promoted to a greater extent, and also the traditional healers we have in the different villages of Arunachal Pradesh and also the practitioners, they'll have to promote it to a great extent. सारे नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सारे देश के ट्रेडिशनल हीलर को बढ़ावा दिया जाएगा। सर, अरुणाचल काफी पिछड़ा प्रदेश था एक समय का बात है, अभी आप लोग मोदी सरकार के समय में आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, जब देखते हैं ट्रेडिशनली जो हीलिंग करते हैं, अभी जो प्रैक्टिस हो रहा है तो उसको प्रमोट करने के लिए, देखिए एक बात है हमारे, लेट मी टेल यू, देश के अंदर जहां भी हमारे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा गांव है और इस ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी ऐसा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन बचा हुआ है, जहां भी उपलब्ध है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे विभाग के द्वारा, हम राज्य सरकार के जरिए उन लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने कोशिश जारी रखा है। और जहां भी जिसका पास भी, आपके जरिए मैं उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं, जिसका पास भी पुराने ऐसा कोई टैक्स है, लिटरेचर है, वो निश्चित रूप से हमें दे, हम भी साइंटिफिकली उसको अध्ययन करके थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च विल डेवलप द फाइंडिंग्स एंड ऑल्सो डेवलप द साइंटिफिक एविडेंस फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी। आज साल की सफलता के बारे में आपको भी मालूम है, मुझे भी जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि जो सही है
ये अरुणाचल प्रदेश को 8 साल के पहले किस हालत में आप लोगों ने देखा था और आज किस हालत में अरुणाचल अपने सभी बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसके लिए मोदी जी ने जो मेहनत की है निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर चलाने के लिए आगे ले जाने के लिए, तो इसीलिए हमको ये निश्चित रूप से मानना ही होगा कि अगले दिनों में अगर हम आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश बनना चाहते हैं तो हमको भी सारे प्रक्रिया में निश्चित रूप से सहयोग करना होगा। सबका प्रयास यानी कि सबको मेहनत करना होगा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नमस्कार। सर, आपका डिपार्टमेंट कैसे पूछते हैं अरुणाचल प्रदेश को रिवर करने की काम कर रहे हैं।